ये टुडे आई विल स्टार्ट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड द गति का नियम। इसके लिए गति का दूसरा नियम, ये पहले लॉ ऑफ इनर्शिया जो बताया था वो गति का पहला नियम था और ये है गति का दूसरा नियम। पहला नियम कहलाता था जड़त्व का नियम और जड़त्व के नियम में दो बातें बताई थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी स्थिर जड़त्व और गतिशील जड़त्व, दो बताए थे। आज ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी गति का दूसरा नियम। ये दूसरा नियम जो कहलाता है संवेग परिवर्तन की दर का नियम भी कहलाता है, संवेग परिवर्तन की दर का नियम। संवेग परिवर्तन की नियम के नाम से भी इसको जानते हैं और इसका ये सूत्र निकल के आता है, वो निकल के आता है F इजिकल टू एम ए। उस हिसाब से भी मैं सूत्र निकालना बताऊंगा कि F इजिकल टू कैसे आए, वो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है तो उसको निकलना ज़रूरी है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंड वही रहता है इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, यानी संवेग। लेकिन मैथमेटिकली रूप से डिफाइन करें तो क्या होगा, इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी मास का मतलब उस वस्तु के द्रव्यमान का गुणा और वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि क्या होता है, या ये कह दो कि मतलब गति का दूसरा नियम संवेग, संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग, यानी लिखा हुआ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, अब इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो इससे निकलेगा, यानी P, यानी ये मोमेंटम है, P इज इक्वल टू एम बी, वो यहीं से पता लग गया, डेफिनेशन को भी याद करने की जरूरत नहीं। तो ये है मास का मतलब द्रव्यमान, M इज इक्वल टू क्या है, द्रव्यमान यानी मास, और V का मतलब क्या है, वेग यानी कि वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में ये पॉइंट लगा हुआ है, ये किसका निशान है, प्रोडक्ट का, यानी द्रव्यमान किसके, ऑब्जेक्ट जो भी लिया है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, वही मैंने लिख दिया। और इस सूत्र से इसका मतलब हम कोई भी सवाल आ जाता है तो कैलकुलेशन जो करेंगे वो इसी से करेंगे। तो ये जो राशि है वो कौन सी राशि है, ये भी ध्यान रखना, सदिश, सदिश राशि, तो इसका मतलब है वेक्टर, क्वांटिटी तो ये हमने ऊपर एरो लगा दिया, ये मतलब सदिश राशि का ये सिंबल हो जाएगा वेक्टर, यानी ये बल लगाते हैं तो बल की दिशा में जो गति होती है उसको ये एरो शो करता है। और इसकी जो एसआई यूनिट है, यानी मात्रक, एसआई यूनिट है वो है तुम्हारी किलोग्राम मीटर, पर सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का आ जाता है
तो उसमें तुम्हें संवेग ज्ञात करना हो तो उत्तर के संग जो है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड लगाना होता है। अब ये तो इसके फॉर्मूला की डायरेक्ट बात हो गई, लेकिन अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है वो मैं समझाना चाहता हूँ। ये डेफिनेशन देख लीजिए। अब इसका यानी ये जो फॉर्मूला आता है सेकंड नियम में एफ इजिकल टू एम ए, वो कैसे आएगा? यानी मैं क्या बताऊंगा, मैथमेटिकल मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये ध्यान रखना है कि किसी वस्तु के मास यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला हमें जो ज्ञात करना है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वो ये देखो, गणितीय व्याख्या गति के दूसरे नियम की दूसरे नियम की गणितीय व्याख्या, न्यूटन की गति के दूसरे नियम की गणितीय सूत्र लगा लो, चाहे गणितीय सूत्र। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछे कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का गणितीय सूत्र की गणना करो, तो तुम्हें कहाँ से करना है ये ध्यान रखना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये दूसरा नियम क्या कहलाता है वो बताया था, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। यानी क्या मतलब हुआ? संवेग में परिवर्तन की दर का नियम, ये अभी मैंने लिखा था, संवेग में परिवर्तन की दर, रेट, संवेग में परिवर्तन की दर, ये है इसका मतलब, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन की दर। अब इसको थोड़ा मैं इसको क्या क्या मतलब, हम ऑब्जेक्ट लेंगे, फोर्स लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो इन सब की बातें मैं लिखे दे रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड इट इज डिफाइंड एज द रेट यानी दर, रेट एट विच मोमेंटम एट विच मोमेंटम चेंज विद चेंज विद रेस्पेक्ट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम यानी समय के अनुसार बदलता रहता है। यानी इसको कैसे डिफाइन करेंगे? रेट एट विच मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन की दर जो है बदलती रहती है, किसके अनुसार? टाइम के अनुसार, समय के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए इसके कारणात्मक प्रश्न भी आ सकते हैं। अब मैं इसकी कुछ लैंग्वेज लिख रहा हूँ, वो लिखते जाना एंड टू एंड। सपोज ए फोर्स एफ, यहाँ से लिख रहा हूँ,
सपोज ए फोर्स एफ, ये फोर्स हो गया तुम्हारा, बल लगा जाता है एक्स ऑन ए बॉडी, ये बॉडी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, और इसका मास कितना है एम, ये हमने अंडरलाइन कर दी, ये मास है, एफ लिखा है वो फोर्स है, ऑफ मास बॉडी, ऑफ मास कर लेना, बॉडी ऑफ मास एम, एम छोटी बनाना, ये अंडरलाइन भी कर दिया है, एज ए रिजल्ट ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट्स वेलोसिटी विच इट्स वेलोसिटी विच इट्स वेलोसिटी चेंज्स फ्रॉम चेंज फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू, अब इनिशियल वैल्यू क्या होगी u, यानी जो प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है 2a फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी v हो जाएगी, यानी ये फाइनल वेलोसिटी वैल्यू ये क्या हो जाएगी v, देन इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, यानी इसको मान लिया हमने दो होंगे, एक इनिशियल और एक फाइनल, तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा एम यू, या इस पर भी सिमिलाइज कर दो एम वन और यू वन, ये हो गई तुम्हारी कौन सी इनिशियल मोमेंटम हो गया, अब इनिशियल मोमेंटम हो गया और फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी, ये P2 मान लो फिर इसे, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 और V2 ये मान लो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, तो इसमें मोमेंटम जो होगा वो संवेग जो होगा वो क्या होगा, अब इसमें जो टाइम लगेगा, क्यों कोई भी रेलगाड़ी अगर चल रही है तो वेग में उसके में परिवर्तन होगा, यानी चेंज वेलोसिटी होगी तो वेग में परिवर्तन होगा, तो कोई ना कोई समय जरूर लगेगा, तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इफ दिस चेंज टेक प्लेस इन ए टाइम, टेक प्लेस इन ए टाइम, टेक प्लेस इन ए टाइम को क्या लिखोगे टी समय लगता है, इसमें टी समय लगता है, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम इज गिवेन बाय द एक्सप्रेशन अब ये चेंज होगा तो वो क्या होगा, तो यहां पहले लैंग्वेज में लिख रहा हूं चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, पी इजिकल टू क्या हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा, या ये लगा लो, यहाँ से सिंबल ख़त्म कर दो, ये एम टू और ये वी। अब देखो इजिकल टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम बी यानी अंतिम वेग, अंतिम संवेग में से ये प्रारंभिक संवेग को क्या कर दिया, माइनस अपॉन क्या होगा, समय जो लगेगा। यानी फिर समझ लो इसको, ये मतलब हमने किसी वस्तु पर, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने एफ बल लगाया, कौन सा फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, एम। इसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है यू है। अब कोई भी टी समय में इसमें चेंज हुआ, ये वस्तु गतिशील होते हुए यहाँ तक आ गई, तो कोई चेंज नहीं होगा, केवल फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो बी होगी। तो अंतिम संवेग में से, यह संवेग क्यों शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि एम द्रव्यमान की वस्तु है, प्रारंभिक वेग यू है, अंतिम वेग बी है, तो अंतिम संवेग जो मैंने शुरू में डेफिनेशन में क्या कहा था, के वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो ये एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, ये फोर्स लगा, ये एफ इज इक्वल टू हो जाएगा। तो अंतिम संवेग में से ये प्रारंभिक संवेग घटा दिया, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, और अपॉन क्या होगा, समय, समय को हमने सिंबलाइज किया टी से, ये फोर्स लगाने पर। तो इसमें एम कॉमन ले लेते हैं हम, एम कॉमन लेने से ये बी माइनस यू रह जाएगा और अपॉन टी, ये b माइनस यू अपॉन टी किसमें, वेग में परिवर्तन की दर के बराबर है, यानी ये त्वरण है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो चूंकि b माइनस यू बराबर क्या है, a है, और b माइनस यू अपॉन टी बराबर क्या हो गया, a हो गया, और a क्या है, त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, f इज इक्वल टू एम, और इसकी जगह पर हमने जो है ए लगा दिया, क्यों, यहाँ लिखा हुआ है बी माइनस यू अपॉन टी बराबर ए, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला किसका निकल करके आ गया, ये संवेग में परिवर्तन की दर का नियम का फॉर्मूला निकल करके आ गया। तो फोर्स किसके बराबर होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, देयरफोर rate of change of momentum is equal to, क्या होगा, ये तो हो गया rate of change बल लगाने पर, ये m क्या है, द्रव्यमान यानी मास इंटू एसीलरेशन,
ये तो मास हो गया हमारा, द्रव्यमान हो गया, और ये क्या हो गया, त्वरण हो गया, ये एक्सीलरेशन क्या हो गया, त्वरण हो गया। तो इसमें जो है ये फॉर्मूला फाइनल कर करके तुम्हारा आ गया। अब इस एक बार फिर समझ लो, मान लो कोई वस्तु हम क्या शुद्ध कर रहे हैं, संवेग में परिवर्तन की दर का नियम, यानी रेट ऑफ चेंज मोमेंटम के नाम से क्वेश्चन आ जाए, या आ जाए गति के दूसरे नियम के लिए गणितीय सूत्र की स्थापना करो, यानी तुम्हारा फॉर्मूला फाइनल तो ये है F=ma। अब ये कैसे आया ये बताना है। अगर किसी वस्तु पर जो m द्रव्यमान की है उस पर F बल लगाते हैं तो इनिशियल वेग U से बढ़ करके B हो जाता है, तो ये वेग में जो परिवर्तन हुआ वो कितने में हुआ, T समय में। तो ये हमने लिख लिया, प्रारंभिक दो संवेग उत्पन्न होंगे, एक शुरू का यानी इनिशियल मोमेंटम और लास्ट का कहलाएगा फाइनल मोमेंटम। तो प्रारंभिक संवेग में से ये हमने अंतिम संवेग को माइनस कर दिया, और ये T समय में हुआ परिवर्तन तो अपॉन टी लगा दी, और बी अपॉन यू जो है, बी अपॉन यू अपॉन टी जो है वो ए एक्सीलरेशन यानी त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसकी जगह हमने ए लिख दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, F=ma। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको मतलब कारणात्मक, इसी बेस के आधार पर वैसे न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और कारणात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लो मैं दो बोल के बता रहा हूँ तुम्हें, बोल के क्या बता रहा हूँ कि जब क्रिकेट का खिलाड़ी कोई कैच लेता है, यानी बैट्समैन के द्वारा जब बैट से बॉल को हिट किया जाता है तो क्या होता है, तो बॉल को जब हिट करता है तो बॉल अगर ऊँची उछलती है तो उसको कोई खिलाड़ी यानी फील्डर जो है वो कैच लेगा, और कैच लेते समय वो अपनी हाथों को नीचे की ओर लाता है। अब नीचे की ओर क्यों लाता है, ये मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम्हें, इसके साथ ही होमवर्क के लिए ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इनको देख के लाना, नेक्स्ट वीडियो में इसको फाइनल करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, ए क्रिकेट प्लेयर, ए क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग द बॉल, while catching the ball। वैसे इसका मुँह जबानी बताऊंगा लेकिन लिखना तुम्हें होमवर्क में है। एक क्रिकेट का खिलाड़ी जो है अपने हाथों को नीचे लाता है किसके समय, बॉल को कैच करते समय। यानी लिख रहा हूँ, एक क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को कैच करते समय, यानी गेंद बॉल को कैच पकड़ते समय अपने हाथों को अपने हाथों को
नीचे लाता है, किसके गेंद के नीचे, हाथों को नीचे लाता है, ये समझ लो किसके नीचे है, हाथों को गेंद के नीचे, गेंद के नीचे लाता है, क्यों? अब इसमें यही कारण लगेगा क्योंकि हाथ, वैसे समझते जाओ हैंड टू हैंड लिख के तुम्हें लाना है, हाथों को जब वो नीचे लाता है तो इसका मतलब है रेट ऑफ मोमेंटम लेस हो जाता है, यानी संवेग की मात्रा जो है कम हो जाती है, कम होने से उसे कैच लपकने में परेशानी नहीं होती है और ना चोट लगने का डर रहता है। क्वेश्चन टू, टू क्वेश्चन में बोल रहा हूं, ए पर्सन यानी एक व्यक्ति फॉलिंग किस पे गिरता है, ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर, ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर, वाइल गेट्स इंजर्ड, गेट्स इंजर्ड यानी घायल, गेट्स इंजर्ड बट ए पर्सन, बट ए पर्सन बट ए पर्सन फॉलिंग हीप ऑफ द सैंड, फॉलिंग हीप ऑफ द सैंड हीप ऑफ द सैंड इज नॉट इंजर्ड, इज नॉट इंजर्ड, वाई यानी हिंदी वाले लिख लेना कि एक व्यक्ति जब सीमेंटेड फर्श पर गिरता है तो वो घायल हो जाता है, क्या लिखोगे, एक व्यक्ति यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक व्यक्ति जब सीमेंटेड फर्श पे गिरता है, सीमेंट फर्श पर गिरता है तो घायल हो जाता है, और वही व्यक्ति और व्यक्ति बालू के ढेर पर गिरता है तो घायल नहीं होता है, यानी चोट नहीं लगती, ये दो घायल नहीं होता है, ये दो क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ये क्यों। ये दो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला को एफ इजिकल टू एम ए वाले को ड्राइव करना अच्छी तरह आना चाहिए, और ये दो क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए वैसे होमवर्क भी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मतलब उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।